दिल्ली के शाहीन बाग से ममता को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। शाहीन बाग में अपनी मां के साथ लगभग हर दिन प्रदर्शन में आने वाले 4 महीने के मोहम्मद जहान की ठंड की वजह से मौत हो गई। रात भर भीषण ठंड में अपनी मां के साथ प्रदर्शन में मौजूद रहने के चलते मोहम्मद जहान की अत्यधिक ठंड लगने और सांस लेने में तकलीफ की वजह से पिछले सप्ताह मृत्यु हो गई। हालांकि अब भी उसकी मां प्रदर्शन में शामिल हो रही है, क्योंकि उनका कहना है यह मेरे बच्चों के भविष्य के लिए है। मोहम्मद जहान को उसकी मां लगभग हर दिन शाहीन बाग प्रदर्शन में लेकर आती थी। यहां वो प्रदर्शनकारियों के लिए पसंदीदा थे। यहां प्रदर्शनकारी उन्हें गोद में लेते थे और उसके गाल पर तिरंगा झंडा भी बनाते थे। इस बच्चे के माता पिता मोहम्मद आरिफ और नाजिया बाटला हाउस इलाके में प्लास्टिक की चादरों और कपड़ों से ढकी एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। उनके 2 अन्य बच्चे भी हैं, 1 5 साल की बेटी है और 1 साल का बेटा। यह दंपत्ति मूल रूप से यूपी के बरेली का रहने वाला है। आरिफ एक कढ़ाई कर्मचारी है और एक ई रिक्शा भी चलाता है। उसकी पत्नी कढ़ाई के काम में उसकी मदद करती है। मोहम्मद जहान के पिता ने कहा कि मैं अपने कढ़ाई के काम के अलावा बैटरी रिक्शा चलाने के बावजूद पिछले महीने में पर्याप्त कमाई नहीं कर पाया। अब हमारे बच्चे के निधन की वजह से हम सब खो चुके हैं। उसने मोहम्मद जहान की एक तस्वीर दिखाते हुए जिसमें उसने ऊनी कैप पहनी है और उस पर लिखा है आई लव माई इंडिया, यह बात कही। बच्चे की मां नाजिया ने कहा कि विरोध प्रदर्शन से लौटने के बाद बीते 30 जनवरी की रात जहान की नींद में ही मौत हो गया। उन्होंने बताया कि मैं शाहीन बाग से लगभग 1 बजे लौटी थी। उसके और अन्य बच्चों के सोने के बाद वो भी सो गई थी। सुबह में मैंने अचानक पाया कि वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। उसकी नींद में ही मृत्यु हो गई थी। इसके तुरंत बाद आरिफ और नाजिया उसे अलशिफा अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। नाजिया, जो पिछले 18 दिसंबर से जहान के साथ शाहीन बाग प्रदर्शन में शामिल हो रही थी, उन्होंने एक निजी चैनल से कहा कि ठंड लगने की वजह से उनके बच्चे की मृत्यु हो गई। हालांकि अस्पताल द्वारा जारी किए गए बच्चे के मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।